दोस्तों आज हम बात करेंगे वेल्डिंग सेट के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डिंग सेट आता है उसके बारे में। अगर आपको परचेज करना है तो मैंने सारे डिटेल्स इसमें बताया हुआ है और आपको ये बहुत सस्ता पड़ता है और इसमें लाइट वेट है, कम वज़न है और आप इसको कहीं भी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। और ये जो नॉर्मल वेल्डिंग सेट होते हैं, मतलब जिनमें वज़न ज़्यादा होता है, उनसे बेटर है, कम लाइट खाता है और इसमें मॉस्फेट के थ्रू ये काम करता है। मैं इसको आपको खोल के भी दिखाऊंगा इसके अंदर कितने मॉस्फेट लगे हुए होते हैं और किस तरह ये काम करता है और कितनी इसके अंदर पीसीबी होती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, और अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास ये वेल्डिंग सेट है वुल्फ का और इसके साथ आपको मिलेगी लीड, और पीछे इसमें एक लीड है जो आपकी लाइट में लगेगी। इसके अलावा जो ये इसकी वेल्डिंग लीड है, जहाँ पर आप रोड लगाएंगे वेल्डिंग वाली, वो आगे लगेगी, उसके सॉकेट आगे हैं। दोस्तों मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा और उससे पहले मैं इसकी क्वालिटी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल वेल्डिंग सेट होते हैं उनसे लाइट कम लेती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये मॉस्फेट के थ्रू काम करती है। तो दोस्तों ये दो लीड हैं, इन लीडों को आप कहाँ पर लगाएंगे आप देख सकते हैं। ये लीड आपकी आगे की तरफ लगेंगी और आगे इसमें एक रेगुलेटर भी दिया हुआ है, जिससे आप इसके एम्पियर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस का निशान बना हुआ होता है, उसको आप ध्यान में रखें और प्लस का प्लस में लगाएं और माइनस का माइनस में लगाएं। और इसके अलावा मैं इसको ऑन करके भी दिखाऊँगा आपको, आप इसको किस तरह ऑन कर सकते हैं और इसके एम्पियर किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये सॉकेट इसका लग जाएगा, ये अर्थिंग वाला है। और इसके बाद दूसरी लीड आप लगाएंगी तो ये आपका रोड वाला है, जिसमें आप रोड लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह ये लग जाएंगे और मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो आपकी वेल्डिंग रोड आती हैं MM के हिसाब से आती हैं, और कोई चादर ऐसी होती है यानी कि पतली होती है, जिसको आपको वेल्डिंग का जो एम्पियर होते हैं वो कम करने होते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी खास है बात ये है कि आप अपने हिसाब से जितने चाहें उतनी डाउन इसको कर सकते हैं। और ये इसकी कंपनी है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसको इसमें लाइट दे के देखूँगा और फिर हम इसको चला के देखेंगे। मुझे ये मशीन काफ़ी अच्छी लगी और ये आपके बजट में ही है, ज़्यादा हाई रेट इसकी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी परचेज करते हैं तो उसकी रेट थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो सकती है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और इससे अलावा दूसरी का भी लिंक मैं दे दूंगा। इनमें से आपको जो भी पसंद आती है आप उनको परचेज कर सकते हैं। और इसके कुछ वार्निंग डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लें एक बार और इसके बाद मैं आपको इसको चला कर दिखाऊँगा और फिर हम इसके बाद एक मशीन को खोल कर देखेंगे इसके अंदर PCB होती है और कितने मॉस्फेट लगे हुए होते हैं, किस तरह ये काम करती है। दोस्तों वुल्फ कंपनी की ये है और इसका मॉडल है WAE200A इन्वर्टर वेल्डर। दोस्तों अब मैं इसके तार लगाऊंगा और आपको इसके चला के दिखाऊंगा इसके एम्पेयर आप किस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये ज़ीरो पर है फिलहाल, इससे आप बढ़ाते जाएंगे तो इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे और नीचे की तरफ करेंगे तो कम हो जाएंगे। इसके हिसाब से आप इसके एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रोड के हिसाब से। जैसे आपको स्टील पर वेल्ड करना है तो उसके एम्पेयर अलग होते हैं, लोहे पर वेल्डिंग करना है तो उसके अलग होते हैं, और बारीक जो लोहा होता है उसके एम्पेयर कम होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एम्पेयर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक पॉलीमेक की वेल्डिंग मशीन है उसको खोल कर दिखाऊँगा, और खोलने के बाद उसकी जो हम PCB है हम वो चेक करेंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या सामान देखने को मिलता है और किस तरह ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पॉलीमेक की मशीन को खोलूँगा और खोलकर हम इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे, इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या हैं और किस तरह काम करती है। दोस्तों आपने देखा होगा वेल्डिंग सेट वो काफ़ी वजन होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर टाइप का, जिसमें आपको वायर काफ़ी लगता है और वजन भी काफ़ी होता है, इसको ले जाने लाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको आप एक हाथ से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें नॉर्मल वज़न है लगभग 10 किलो के आसपास, और आप इसको आसानी से बाइक पे या किसी भी चीज़ पे ले जा सकते हैं और आसानी से काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके पेच खोल लिए हैं, और पेच खोलने के बाद दोस्तों मैं इसको
इसके ढक्कन को हटाऊंगा और हम देखेंगे इसके अंदर कितनी पीसीबी लगी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मेमोरी पीसीबी है ऊपर की तरफ और प्रोग्राम पीवीसी है इसकी नीचे की तरफ, और जिसमें इसके मॉसफेट लगे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 मॉसफेट लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके नीचे इसकी सप्लाई है जो वो अलग है, मतलब अलग अलग भागों में बटी हुई है। और ये इसमें ख़ास फ़ायदा है कि इसकी सप्लाई अलग है, अगर इसकी सप्लाई ख़राब होती है तो आपको सप्लाई वाली प्लेट छेड़नी पड़ेगी, ना कि इसके मॉसफेट वाली प्लेट आपको छेड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा मुझे इसका प्रोग्राम लगा, क्योंकि सप्लाई है जो इसकी है नीचे वाली, ये सप्लाई मेन आती है इसमें और इसके बाद इसके अंदर मॉसफेट के अंदर जाती है और फिर मॉसफेट के थ्रू इसमें जो बाहर इसके होल्डर में करंट आता है जिससे वेल्डिंग होती है। और दोस्तों इसमें पीछे एक फ़ैन भी लगा हुआ है जिससे मतलब ये हीट होता है तो इसको एयर मिलती रहती है। और यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ का और रेगुलेटर है, उसके अलावा एक डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये मशीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आपको ये परचेज करनी है तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ से आप इसको लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो वेल्डिंग मशीन होती है हैवी वाली उससे ये लाइट कम खाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगली कोई मशीन आती है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको दिखाया वेल्डिंग सेट, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कोई भी नॉलेज चाहिए तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।